हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग कुछ अंडररेटेड प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग के क्लाइमेट के लिए, इंडिया के लिए और हमारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए जो सिमिलर क्लाइमेट हैं जिनका, उनके लिए ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि बहुत बढ़िया करते हैं मगर वो इतने प्रमोटेड नहीं है, तो नर्सरीज में भी कम मिलते हैं और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, चीप होते हैं क्योंकि ये इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं वेदर कंडीशंस की वजह से। उनमें से एक ये है, इसको कहते हैं झुमका बेल या फिर इस मधुमालती की बेल। बहुत प्रिटी लगती है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर चेंज करती है। ये पिंक, वाइट, रेड, जैसे जैसे ये ग्रो करती जाती हैं ये थोड़ा थोड़ा कलर बदलती जाती हैं और ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेटर्स को। आपने देखा होगा कुछ, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कुछ हनी बीज आई हुई थी, बहुत प्रिटी लगती हैं। ये देखिए ये बहुत पॉलिनेटर्स आते हैं इसमें और ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है और ये फ्लावरिंग करता है रेनी सीजन में, शुरू हो जाती है इसकी फ्लावरिंग और ये एग्रेसिव ग्रोथ है तो ये आप इसको थोड़ा कटबैक भी कर सकते हैं। ये देसी वाले एक सदाबहार है, इनको प्री विंकल भी कहते हैं, बहुत प्रिटी लगते हैं देसी वाले सदाबहार। ये एक और प्लांट है जो हम लोग की कंडीशन, वेदर कंडीशन में बहुत अच्छा ग्रो करता है और ये सीड प्रोपोगेट करके अपने आप ग्रो करता रहता है और बहुत फ्लावरिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा। जो देसी वैरायटी है उसको तो प्रोपोगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार लगा दो उसकी सीड्स अपने आप बढ़ते जाते हैं और ये ग्रो करता जाता है। बहुत कलर्स में आते हैं कॉम्बिनेशन में, इनको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए एक मैं आपको लाइट पिंक दिखाती हूँ, ये भी कलर बहुत प्रिटी है, व्हाइट कलर का ब्यूटीफुल फ्लावर। कई प्लांट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं, बहुत इजी टू ग्रो एंड फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। उनमें से एक ये चांदनी का प्लांट है। तो अपने अपने वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ये वाला प्लांट हमारे लिए बहुत ही बढ़िया, इसको इतनी ज़्यादा इसकी रेटिंग हाई नहीं है, इतना इसको प्रमोट नहीं किया जाता जितना कि ये प्लांट ब्यूटीफुल है और इजी टू ग्रो और फ्लावरिंग कितनी करता है, तो ये भी एक अंडररेटेड प्लांट है। ये फोर्थ प्लांट देसी कैलेंचू या देसी कैलंकोई का लिया है। इसके दूसरी वैरायटी होती है हाइब्रिड, जिसमें फ्लावरिंग इतनी नहीं होती जितनी इसमें होती है और इसको मेंटेन करना भी इजी होता है और यकीन मानिए इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है। ये इजी टू केयर है, इजी टू प्रोपोगेट है, ये गर्मियों में भी रह जाता है, थोड़ी केयर मांगता है और ये कंपेयर्ड टू हाइब्रिड वैरायटी ये इजी है प्रोपोगेट करना, केयर करना, दोनों चीज़ें। तो ये ऑप्शन ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा, देसी कैलेंचू। ये नेक्स्ट प्लांट लिया है मैंने, ये बोगनविला का है और इनमें भी बहुत फ्लावरिंग होती है और आपने देखा होगा ये कई बार डिवाइडर्स में और रोड साइड में भी इतने उगे रहते हैं और इनमें बहुत कम मेंटेनेंस में बहुत प्रफ्यूजली फ्लावर करता है ये प्लांट और ये बहुत कलर्स में आता है, येलो में, ऑरेंज, वाइट, पिंक, रेड, कई कलर्स में आता है और ये बालकनीज के लिए, टेरेसेस के लिए बहुत ही प्रिटी प्लांट है और ये कम मेंटेनेंस में बहुत सारी फ्लावरिंग करता है और ज़्यादा जिसकी बालकनी में हीट आती है या सन ज़्यादा फेसिंग, सन फेसिंग है, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया ये प्लांट कंटेनर के लिए भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो 5 फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि थोड़े अंडररेटेड हैं ये अच्छा लगा।
वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।